इन दिनों इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा है। आप देख रहे होंगे, आपको लोग काले चश्मे में या आँख के लाल लोगों की आपको दिख रही होंगी। तो अगर आपको भी आँख लाल दिखाई दे, एक या दोनों आँख आपकी लाल होने लगे, आँख में जलन हो, दर्द हो, इरिटेशन हो या आँख से पानी बहने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको आई फ्लू हो गया है या कॉन्जक्टिवाइटिस हो गया है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, अक्सर जब होती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है, और अगर ये एक बार एक परिवार के सदस्य को हो जाती है तो चांसेस होते हैं कि आपके पूरे परिवार को या मिलने जुलने वालों को ये बीमारी लग जाए। अगर ये बीमारी बढ़ने लगती है तो आपकी आंखों में कीचड़ सा आने लगता है, आंखों से पानी बहने लगता है, और ये जो कीचड़ है, जो गंदगी आंखों के अंदर जमा होती है, ये कुछ पीले और हरे रंग की होती है। इसका मतलब ये होता है कि अब इन्फेक्शन आपकी आंखों में काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है। आंखों पर सूजन आ जाती है, मरीज को आंख खोलने में दिक्कत होती है और मरीज को रोशनी से परेशानी होने लगती है, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं। तो अगर आपको आपके परिवार के किसी सदस्य को इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो इसको इग्नोर ना करें, इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक्चुअल में आई फ्लू या कॉन्जक्टिवाइटिस होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका प्रिवेंशन या बचाव क्या होता है और इसका सही इलाज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कोई भी आई ड्रॉप आँख में डाल लेते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, हम डिटेल में थोड़ा आई फ्लू और कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपील कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में आई फ्लू या कॉन्जक्टिवाइटिस जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे साल में ये बहुत तेजी से फैलती है, बरसात के दिनों में, मानसून के मौसम में। उसका कारण ये होता है कि ये एक बहुत ही हाईली कंटेजियस बीमारी है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। एक इंसान से दूसरे इंसान को ये लगती है। उसका कारण होता है कि जनरली जो इस तरह के आई फ्लू होते हैं ये इन्फेक्टिव होते हैं। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। आमतौर से जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी होता है, और दूसरा कई बार अगर आपकी आँख में कोई केमिकल चला जाए तो उसको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और इसका जो इलाज है वो इस बीमारी के प्रकार पे निर्भर करता है, इसलिए आप कोई भी ऐसे ही ड्रॉप अपनी आंख में ना डाल लें बिना डॉक्टर की सलाह के, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो इन्फेक्टिव बीमारी होती है, तो हम यही बात करेंगे कि आप इस बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को और दोस्तों को भी किस प्रकार इससे बचा सकते हैं। सिंपल कुछ टिप्स और कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद इस बीमारी को आप फैलने से रोक सकते हैं। तो जैसे ही आपको एक कोई लक्षण दिखने लगे, आपकी आंखें लाल होने लगे या आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप इसको अपने परिवार में फैलने से रोकें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा अलग रहें लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कम उठे बैठे ना उठे बैठे, और बार बार अपने हाथों को धुलें। अगर आप बार बार अपने हाथ धोएंगे तो चांसेस होंगे कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। उसके अलावा आप अपनी आंखों को टच करने से बचें, आंखों को ना रगड़ें। अगर आप आंखों को टच करेंगे, रगड़ेंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपकी आंखों में आ सकता है, और साथ ही साथ आपकी हाथों में इन्फेक्शन अगर लग जाएगा, आप कोई दूसरी चीज़ छुएंगे और आपका परिवार का सदस्य फिर उस चीज़ को छुएगा तो इन्फेक्शन उसको भी लग जाएगा और उसको भी कॉन्जक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। तीसरा, आप ये प्रिवेंट करने के लिए कि आपका हाथ आपकी आंखों की तरफ ना जाए, आप सनग्लासेस पहन के रह सकते हैं। आप जब भी घर में हैं या बाहर जा रहे हैं सोते समय आप उतार सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं उनको किसी और को इस्तेमाल ना करने दें, चाहे आपको खाने के बर्तन हो या चाहे आपका साबुन हो, सोप हो, टावल हो, शैम्पू हो, इवन आपकी जो आई ड्रॉप है जो आप आँख में डाल रहे होंगे वो भी किसी दूसरे परिवार के सदस्य को ना डालने दें, उनके लिए फ्रेश आई ड्रॉप मंगाएं। इस तरीके से आप इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हैं तो इन दिनों अगर आपको आंख में फ्लू हो गया है तो कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उससे और फर्दर आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमने बात की कि भाई मरीज को क्या प्रिवेंशन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को अभी बीमारी नहीं हुई है, टच वुड वो बचे हुए हैं, वो अपने आप को फर्दर कैसे बचा सकते हैं। तो आप एक तो मरीज के कॉन्टैक्ट में आने से बचें, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, और आप भी अपने बार बार हाथ धुलते रहें, साफ करते रहें, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि एनवायरनमेंट में भी ये वायरस या बैक्टीरिया होगा, कहीं किसी ने कुछ टच किया होगा तो आपको भी चांसेस होंगे कि आपको बीमारी लग जाए, इसलिए बार बार आप हाथ धुलें, हैंड हाइजीन का पालन करें।
दूसरे, कभी भी इन दिनों में आप जो कॉमन स्विमिंग पूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें, उनको इस्तेमाल करने से बिल्कुल बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अगर आप जाते भी हैं तो कोशिश करें कि आप सनग्लासेस यूज कर सकते हैं या आप अपने हाथों को बार बार धुलें। उसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो इन दिनों जब भी बीमारी फैल रही हो तो आप कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, क्योंकि आप जब कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो टच होता है बार बार आपका आंख, फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बीमारी हो सकती है। इस तरीके से आप इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को इस बीमारी से बचा सकते हैं अपने साथ साथ। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही उनको ये कंजक्टिवाइटिस होता है तो या तो वो परिवार के किसी सदस्य की ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, उससे और नुकसान होगा, या फिर वो केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, वहां से कोई भी ड्रॉप खरीद के लेके आ जाते हैं। एक्चुअल में आपका, अगर आपको कारण नहीं पता है तो फिर वो ड्रॉप हो सकता है आपको नुकसान भी कर दे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी आई ड्रॉप आप यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस के केसेस में अगर आपने ऐसा ड्रॉप यूज कर लिया जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं तो ये आपकी आंख के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। हाँ, आप प्लेन एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे एट्रोब्रामाइसिन होता है, जेंटामाइसिन होता है, अमोक्सिक्लोक्सासिन होता है, इस तरह के बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के, सिंगल एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी यूज करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह और उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ड्रॉप अपनी आंख में ना डालें, उसके इस्तेमाल करने से बचें। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप का क्या काम, कैसे फायदा करेंगे? तो होता क्या, देखिए वायरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो मरीज को साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये दोनों मिल जाते हैं तो ये फिर और ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये ड्रॉप्स हैं आपकी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हैं। वैसे आपका जो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, वैसे ही 5 से 7 दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और मरीज पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए आप खुद से दवाई इस्तेमाल करने से बिल्कुल बचें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर वाकई आपको पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।